बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेड एंड डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ आज हम आपको जो आपका जो जोग्राफी का यूनिट है आयर उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में आपको भी ब्रीफ में दूँ ताकि आपको पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देखिए जहाँ तक आयर आपको पता है हम हवा को आयर कहते हैं जो हमारी ज़मीन है इसके जो इर्द गिर्द जो है आप सब लोग जानते हैं कि एक हवा का एक गिराफ है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और अगर ये ना होता तो यकी तौर पर ज़मीन पर हमारी जो अर्थ है उस पर कोई किसी किस्म की कोई ज़िंदगी ना होती क्योंकि आपको पता है आज कोविड नाइन्टीन का जो दौर चल रहा है इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है जोर इस वक्त चल रहा है और आपको हमारे रोज़ हम, रोज हम टेलीविज़न पर इंटरनेट पर बाकी जगहों पर या सोशल मीडिया के थ्रू हम ये बातें सुन सुनते हैं कि इतने लोग आज मर गए विदाउट ऑक्सीजन इतने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी लेकिन उनको ना मिला और मर गए तो हो सकता है कि मुझे अभी तक तो आपको ऑक्सीजन की जो जो इम्पोर्टेंस पता ना होती लेकिन आज आपको अच्छी तरफ से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के बिना इंसान हरगिज जिंदा नहीं रह पाएगा ठीक है क्योंकि आज जितने भी कोविड नाइन्टीन की वजह से जितने भी मौत या अमवात हो रहे हैं जितने लोग मर रहे हैं इस वक्त उनमें ज़्यादातर नाइन्टी तकरीबन सेवेंटी परसेंट लोग वो हैं जिनको ऑक्सीजन मिलने की वजह से मौत होती है तो पूरा यकीन है मैं मुझे पूरा यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आज हमें अच्छी तरफ से ऑक्सीजन जो है उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी तो मैं कह रहा था कि जो एटमॉस्फेयर के बारे में हमारी ज़मीन जो है इसके तीन लेयर्स हैं मेंटल कोर उसके ऊपर जो ज़मीन जो है उसके ऊपर जो ब्लैंकेट है हवा का जो एयर का ब्लैंकेट है ये मैंने कहा पहले आपको बताऊँ कि एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैस है ठीक है इसमें मुख्तफ किस्म के गैस हैं जिस तरफ से नाइट्रोजन है हाइड्रो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है हीलियम है मीथेन है या बाकी जितने रियर गैस हैं उन सबको मिला के हम जिस चीज़ को हम इसको हम एयर कहते हैं तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर जो ये डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हैं कम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कि अगर हम देखेंगे पूरे तौर पर तो नाइट्रोजन जो है सेवेंटी एट परसेंट ऑफ हमारी जो एटमॉस्फेयर में है सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी में आपको आपके इसके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ ऑक्सीजन की मकदार कितनी है ट्वेंटी वन परसेंट उसके बाद आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट आर्गॉन ज़ीरो पॉइंट नाइनटी थ्री परसेंट उसके बाद जितने भी बाकी गैसेस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे और अदर जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट यानी कि जो मेजॉरिटी जो दो गैसेस जो हैं जिनसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें ज़्यादातर गैसेस हैं वह है, है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और आपको पता है जो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये आपको इस जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कोविड नाइन्टीन की वजह से जो ऑक्सीजन के मसाई पैदा हो, होते हैं तो उ, उनकी वजह से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया कि ये ऑक्सीजन कितने हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ठीक है तो यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि नाइट्रोजन जो है ये मोस्ट आइंटिक गैस तो मैंने को बता दिया आपको हम जो भी जब हम सांस लेते हैं तो उसके सांस में हम हर कोई गैस जो भी मिक्सचर आप गैस है ना मैंने कहा ये एयर जो है हम लेते हैं लेकिन जो इनहेल करते हैं तो उसमें से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ जजर्व करता है खींचता है और बाकी गैस को वापस छोड़ता है और जो हमारे जिसम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो भी बस बाहर चला जा जाता है और आपको बता दें बताते दे चलूँ जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही और आपको एक और बात बता दूँ कि जो प्लांट्स हैं ये डायरेक्टली हवा के जरिए यानी कि जरिए डायरेक्टरी ये नाइट्रोजन नहीं दे सकते हैं ठीक है तो लेकिन जो प्लांट के रूट होते हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको चेंज करते हैं ठीक है ठीके? इन तो हाँ वो गैसियस नाइट्रोजन को चेंज करते हैं और रूट्स के जरिए फिर वो जो प्लांट्स हैं उसको देते हैं तो सेकंड मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको पता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के बग़ैर नहीं रह सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं है, हम ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम देते हैं प्लांट्स है, है, देते हैं प्लांट्स देते हैं हम देती हैं हमारा एक दूसरे का गहरा रिश्ता है अगर प्लांट्स को ख़त्म करें हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर इंसान या प्लांट्स के बगैर जितने भी बाकी मखनों का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अगर वो ना होते तो यकी प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी बहुत कम है एटमॉस्फेयर में क्योंकि जितनी ज़रूरत है ऊपर वाले ने उतना ही रखा है लेकिन अब हमारी लापरवाही की वजह से खासकर बर्निंग फ्यूल्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारी जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हैं अर्बनाइजेशन होती है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को शहरों के शहर बनाए जाते हैं या जो हमारी जो अरेबल लैंड है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है फैक्ट्रीज़ में बाकी बाकी चीज़ों की वजह से उसकी वजह से क्या होता है खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्रीज़ की बात करूँ और जो ऑटोमोबील की बात करूँ इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या होता है और आपको पता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या हम जिसको हम कहते हैं टम्परेचर राइज़ ठीक है ग्रीन हाउस के जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होता है तो अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर है इसकी तरफ थोड़ा बहुत आते हैं ये एटमॉस्फेयर जो है अगर हम यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है ठीक है जो एटमॉस्फेयर है आपको शायद ये कुछ लोगों को अभी पता ना हो कुछ स्टूडेंट्स को अभी पता ना हो कि एटमॉस्फेयर जो है ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं है यकसा नहीं है बल्कि इसकी जो, जो कहें कहेंगे इसकी जो कैफियत है वो मुख्तलिफ है पहले कुछ हंड्रेड किलोमीटर तक उसकी जो कम्पोजिशन वो अलग है उसके बाद उसकी अलग है और उसके बाद जितना ऊपर जाएंगे उतना कम्पोजिशन और बाकी बाकी जितने भी जो है इसके डायमेंशन वो तो चेंज होते रहते हैं तो उन चेंजेस को देख के हमने न्यू स्ट्रक्चर जो आप एटमासफियर है एटमासफियर को कुछ स्ट्रक्चर जो है लेयर्स में तब्दील किया हुआ है डिवाइड uh, किया हुआ है और uh, जो मैं आपको बता आपके सामने स्क्रीन के सामने है जो एटमासफियर है इट हैज़ बिन डिवाइड टू रेयर स्टार्टिंग फ्राम दी अर्थ सरफे जो ज़मीन के निचली सतह है उससे हम स्टार्ट करते हैं जो जमीन के नीचे ज़मीन के साथ जो की तह है उसको हम टोपोफ्रोफियर तो, तो कहते हैं उसके बाद ट्रोट्रोस्फियर आता है उसके बाद नीजोसफियर उसके बाद थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर ठीक है ये लास्ट वाली उसकी जो है जहाँ तक ट्रोपोस्पियर की बात करें तो मैं आपको बताऊँ ट्रोपोस्पेयर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेयर है आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे जो दिया है छोटा एक स्पेयर दिया हुआ है जिसमें पहाड़ वहाड़ बनाए हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं तो आपको बताया है, कि ये इंसानों के लिए बाकी जान जानदारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मकदार इसी में है जितना हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मकदार कम होती जाती है और जितने भी वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो सबके सब उसी में रोनमा होती हैं ठीक है तो इसको कन्सनट क्लियर ऑफ ठीक है इसको हम कहते हैं कन्संट क्लियर ऑफ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है तो आ... तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो थर्टीन किलोमीटर्स हैं कहीं पर अलेवन भी दिखाई जाती है और कहीं पर बराबर टोल्व भी बताई जाती है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है थर्टीन किलोमीटर यानी कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो थर्टीन किलोमीटर है कहीं पर और आपको बताते चाहूँ ये इक्वेटर पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और जबकि पोलर एरियाज़ पर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ पर उसकी जो जो हाइट है वो कम है वो इसका एक रीज़न है वो एक नंबर लंबा टॉपिक है मैं इस वक्त यहाँ पर बयान नहीं करना चाहूँगा बस इतना आप रखो याद कि जो इसकी एवरेज हाइट है वो थर्टीन किलोमीटर है ये पोलर एरिया पर उसकी हाइट बहुत कम होती है तकरीबन सेवन एट किलोमीटर और जो इक्विटोरियल एरियाज पर उसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन बीस सारा बीस किलोमीटर उसकी हाइट होती है ठीक है <स्युलियार> और द मैंने कहा ना भी और द वदर फर जो है वो रेनफॉल फॉग हील स्टर्म जो कुछ भी होता है वो इसी एयर में होता है उसके बाद हम स्टेट जो दूसरी सारी स्टमोसफियर आप और मैं आपको एक और बताऊँ कि जितना हम ऊपर जाएंगे ज़मीन की सतह से उतना ही टेम्परेचर जो है कम होता है इसको हम नॉर्मल वेफ कहते हैं ठीक है अब स्ट्रेट की अब बात आती है ये दूसरी एयर है स्ट्रेट ये यह अब तकरीबन पचास किलोमीटर ज़मीन के ऊपर तक जाती है नॉर्मल एवरेज कहीं पर हाँ इसकी ये एवरेज बराबर है हर जगह इसकी पचास किलोमीटर हाइट है जो ये इसमें कोई क्लाउड्स व्लाउड्स या कोई ऐसी बात नहीं होती वेदर फिनाम इसमें होते नहीं है ठीक है आइडियल कंडीशन होते हैं जो एरोप्लेन होते हैं वो उसी से ज़्यादातर प्लान करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई जो जो कलर्स नहीं होती ओबिस्टिक कलर जहाँ कहते हैं क्लाउड्स हैं या बाकी बाकी चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है जितने भी वेदर एंड प्रेंग क्लाइमेटिक है वो सब सब पहली जो ट्रेटोसफियर है सॉरी जो पहली जो अट्रोपोस्फियर उसमें होते हैं जो दूसरी वाली स्टोस्फियर है इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती इसलिए यहाँ पर प्लान जो है एरप्लान वेरोप्लान जो है इनको यहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है इसके बारे में आपको बताऊँ कि इसमें एक छोटी तो सीता होती है जिसको हम ओजोन ईयर कहते हैं और जो ओजोन ईयर है जो हमें प्रावाइर रेडिएशन जो है हार्मफुल इनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है उसके बाद हम तीसरी तह पर आते हैं मेजोस्फियर ये थर्ड ईयर है एटमोसफियर की तो ये सेक्टर रोशनी के बाद आती है और ये उसकी जो हाइट है तकरीबन 80 किलोमीटर है मैं स्टार्ट करेंगे 80 किलोमीटर तक जाती है आ... ठीक है जो मीटियोराइट्स मीटियोराइट्स आते हैं यानी कि स्पेस से आते हैं आ, वो इसी अगर वो खुदान खासा ज़मीन के किसी हिस्से से टकराएंगे तो नुकसान हो जाएगा वो बहुत बड़े बड़े पत्थर यूँ समझो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो स्पेस से आते हैं ज़मीन पर हाँ बहुत बहुत ही जगहों पर वो गिरे हैं अमेरिका में बाकी बाकी जगहों पर वो वहाँ पर लोगों ने देखा भी इनको है मीटियो इनको कहते हैं लेकिन ज़्यादातर जो मीटियो हैं वो इसी मीटोसपियर में है बर्न हो जाते हैं ऑटोमेटिकली बर्न हो जाते हैं और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो बर्न होते हैं वो इसी स्पेयर में होता है उसके बाद थर्मोस्पियर है जो थर्मोस्पियर जो है ये चौथी लेयर है और आ, आ, न, 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 ठीक है तो इसमें दो है अयोनोसफियर भी इसमें आता है एयोनोसफियर और एग्जॉस्फियर इन दोनों को हम मिला केफियर कहते हैं ये इसकी जो हाइट है वो तकरीबन चार एट्टी किलोमीटर से लेकर चार सौ किलोमीटर तक जाती है इसकी हाइट ठीक है ये जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन जो है रेडियो ट्रांसमिशन है जितना भी है इसमें बहुत मदद करती है रेडियो टिग्नल्स में टेलीकोम्यूनिकेशन में इसकी बहुत क्योंकि इसमें जो है इसमें ऐसी कोई मतलब रेरीफाइड रेरिफिकेशन याबस्टिकल नहीं होती हैं ठीक है फ्राम द अर्थ आर रिजेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस जीर तो इसके बाद लास्ट वाला जो है वो इन आयोसफियर के बाद एग्जॉसफियर है ये टॉप मोस्फिर ऑफ द एटमॉसफियर है इट इज़ नोन एज एग्जॉस्पियर बहुत uh, इसमें बहुत थिन है थिन आयर है बहुत कम हवा इसमें है और गैस जो है ही हाइड्रोजन फ्लोट इन टू द स्पेस फ्रॉम हेयर ठीक है हीलियम और हाइड्रोजन है वो वो स्पेस की तरफ जाती है इस हेयर से ठीक है तो ये एक ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन था मुझे पूरा यकीन है आपको ये बात अच्छी तरफ अंडरस्टैंड हो गई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वट इज़ दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटमासफियर तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने आज अंडरस्टैंड किया होगा आप अच्छी तरफ से उसका जवाब दे सकेंगे वो तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच शुक्रिया